Okay, let us start. Now this is very very interesting. Fixed income में risk और return, मतलब आप जब bond खरीदते हो तो risk क्या है और return कहाँ से मिलेगा, right? Chapter जहाँ पे शुरू हो रहा है नए में 58 है, reading 58 कि when you purchase a bond, sources of returns, coupon and principal payments, मतलब 8% कूपन 5 साल है, फेस वैल्यू 100 है तो 8 5 बार और लास्ट में 100 रुपया, तो दैट इज वन सोर्स ऑफ रिटर्न। फिर जो कूपन बीच बीच में आएंगे उसको आप रीइन्वेस्ट कर सकते हो तो वो कूपन पे ब्याज मिलेगा, दैट इज द सेकंड कंपोनेंट, राइट। और अगर आप बॉन्ड को मैच्योरिटी से पहले बेचते हो, अगर 5 साल का बॉन्ड 5 साल के लिए रखते हो तो लास्ट में 100 ही मिलेगा, बट सपोज 5 साल से पहले बेच दिया तो वो 100 से ऊपर में भी जा सकता है, नीचे में भी जा सकता है, तो वो कैपिटल गेन या लॉस हो सकता है। सो दैट इज द थर्ड सोर्स, समझ में आया? ये तीन चीजें होंगी। अच्छा, फिर एक चीज हमेशा याद रखो कि YTM जो होता है ना, हमने सीखा है बॉन्ड का YTM, राइट। सो लेट अस रिफ्रेश, सपोज आई एम सेइंग ₹1000, 9%, 7-year एनुअल बॉन्ड, और अभी उसका प्राइस इससे 1010, तो इसका YTM निकालो, कैलकुलेटर पे YTM निकालो, मैंने सिखाया हुआ है। 1000 का 9% 90, 90 PMT, लास्ट में 1000 मिलेगा, वो FV, अभी का भाव नेगेटिव करके PV 1010, 7 बार तो 7N, कंप्यूट IY 8.80, तो YTM आया 8.80%, बराबर। तो ये YTM का क्या मतलब है? YTM आपको बोल रहा है 8.8%, राइट? तो क्या इसका ये मतलब है कि जो इन्वेस्टर ये बॉन्ड को खरीदेगा अभी 1010 पे, क्या वो 7 साल तक 8.80% अर्न कर पाएगा? यस और नो? या अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस वो ये 8.8% अर्न कर सकता है? तो लेट अस राइट डाउन, इन्वेस्टर कैन अर्न रिटर्न इक्वल टू YTM, मतलब 8.8%, इफ नंबर 1, बॉन्ड
is held till maturity. मतलब 7 साल तक रखने का, पहले बेचने का नहीं. सेकेंड, नो डिफॉल्ट्स ऑब्वियसली, कि कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए वरना तो रिटर्न कम हो जाएगा, राइट. और तीसरा कि ऑल कूपन्स मस्ट बी रीइन्वेस्टेड एट अ रेट इक्वल टू YTM. मतलब जो हमारा आंसर है 8.8%, आपके पास पैसा कब कब आएगा? 1 साल बाद 2 साल बाद 3 साल बाद 4 साल बाद 5 साल बाद. तो हर एक बार पैसा है ना, तो उसको इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा. अब वो कौन से रेट पे होगा वो हमें तो पता नहीं, क्योंकि 1 साल बाद क्या रेट होगा, 2 साल बाद क्या होगा. लेकिन ये अज्यूम कर रहा है कि सारे कैश फ्लो, सारे कूपन हम 8.8% पे ही री इन्वेस्ट करें. सो दिस इज द मोस्ट इम्प्रैक्टिकल अजम्पशन. पहले से तो कर सकते, चलो मैं रखूंगा बॉन्ड, नहीं बेचूंगा पहले. सपोज गवर्नमेंट का बॉन्ड है, डिफॉल्ट भी नहीं होने वाला. बट सबसे तकलीफ वाली चीज क्या है कि हाउ कैन वी अज्यूम कि हर साल या हर 6 महीने जो पैसा आएगा कूपन का, उसको मैं इसी रेट पे रीइन्वेस्ट कर पाऊंगा. ऐसा अजम्पशन नहीं कर सकते. तो प्रैक्टिकल एक्चुअल वर्ल्ड में इन्वेस्टर का जो रिटर्न है, इन्वेस्टर का जो रिटर्न है वो YTM से कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है. सो द पॉइंट इज, व्हेन यू बाय अ बॉन्ड यू डू नॉट नो दैट हाउ मच एग्जैक्टली विल बी योर रिटर्न. तो दिस इज योर रिस्क, ये आपका रिस्क है. समझ में आ रहा है? लोग क्या बोलते हैं कि भाई स्टॉक्स रिस्की, बॉन्ड्स सेफ होते हैं. बट सेफ मतलब ये नहीं कि रिस्क नहीं है, रिस्क तो इसमें भी है. बिफोर एंड पता नहीं चलेगा कि एग्जैक्टली कितना रिटर्न आपको मिल रहा है, ठीक है. तो ये लिख लो. सॉरी बाबा, इंटरेस्ट ले नहीं तो कंपलसरी है गवर्नमेंट बॉन्ड्स में. गवर्नमेंट बॉन्ड्स के कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है ना, इनमें तुम्हें लेवज पड़े. समझो आपने FD करिए ना, तो देर आर ऑप्शंस कि क्यूमुलेटिव करूं कि हाफ ईयरली के क्वार्टरली. इन बॉन्ड्स देर आर नो ऑप्शन, वो पैसा लौटाएंगे ही आपको. बाकी तो इंटरेस्ट ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है. हां, पर ये क्या ब्याज है मरसे, दैट वी डोंट नो, दैट इज द रिस्क. लिख लो ये. सर एथिक्स में जोरदार एक्यूरेसी आ जाती है. अगर ये तो गुड मेंटेन करो कि एक्यूरेसी 70 से शेडी लागे छे सर. अत्या वधार आवे छे ने तुम्हें शेडी लागे वो तो भी लागे भाई. जाए आगे उसको कॉन्फिडेंस लाना था कि नहीं है शेडी उसको भी नहीं. अच्छा अभी समझो
अगेन मैं जो लिखवा रहा हूँ वो लिख लेना, बुक में नहीं दिया है और जो दिया है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। देखो जो फिक्स्ड इनकम में रिस्क है वी कैन से इट इज, इट कैन बी स्प्लिट इनटू टू टाइप्स ऑफ रिस्क। वन इज कॉल्ड द प्राइस रिस्क एंड अनदर इज कॉल्ड द रीइन्वेस्टमेंट रिस्क, राइट। जो आपका प्राइस रिस्क है वो बेसिकली क्या है कि हमें पता है कि अगर रेट बढ़ जाएंगे तो भाव गिर जाएगा। बॉन्ड में अगर इंटरेस्ट रेट YTM बढ़ जाता है तो बॉन्ड का भाव कम हो जाता है, तो आपको लॉस हो सकता है, राइट। सो दैट इज प्राइस रिस्क। रीइन्वेस्टमेंट रिस्क क्या है कि अगर रेट घट जाएंगे ना बीच में तो इंटरेस्ट ऑन कूपन, मतलब दैट इज द रीइन्वेस्टमेंट इनकम, वो कम हो जाएगी, इज़न्ट इट। सपोज अभी बहुत अच्छे रेट चल रहे 10%, आपने 10% YTM पे खरीद लिया बॉन्ड, अब सपोज नेक्स्ट ईयर कूपन आया और मैंने 1 करोड़ का बॉन्ड खरीदा है तो 10 लाख रुपए आएंगे नेक्स्ट ईयर, तो 10 लाख रीइन्वेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन उस टाइम अगर रेट घट गए हैं तो मेरा इनकम कम हो जाएगा। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ रिस्क। अच्छा फिर प्राइस रिस्क जो है, देखो अगर तुम पूरा मैच्योरिटी होल्ड करो तो प्राइस रिस्क लगेगा ही नहीं, क्योंकि पूरा मैच्योरिटी होल्ड करोगे तो फेस वैल्यू मिलेगा ही। प्राइस का सवाल कब आता है, अगर मैच्योरिटी से पहले बेच दो, राइट। सो दिस इज मोर इंपॉर्टेंट इफ होराइजन इज शॉर्टर टर्म, इजंट इट। अगर 7 साल का बॉन्ड है और मैं 7 साल पकड़ के रखूं तो मेरे को रिस्क है ही नहीं, प्राइस रिस्क तो है ही नहीं, बराबर। लेकिन हाँ 7 साल का बॉन्ड है, 2 साल बाद 3 साल बाद ऐसा बेच देना है तो कौन से भाव पे बेचूंगा आई डोंट नो, सो दैट इज प्राइस रिस्क। जो रीइन्वेस्टमेंट रिस्क है वो इससे उल्टा है, वो इससे उल्टा है। अगर 7 साल का बॉन्ड है और 1 साल में बेच दूं तो एक ही कूपन आया होगा तो फिर कहां ज्यादा कुछ रीइन्वेस्ट करने का रहा। लेकिन 7 साल का बॉन्ड है उसको मैं 5 साल या 6 साल या 7 साल रखता हूं तो 5 कूपन आएंगे, 6 कूपन आएंगे, 7 कूपन आएंगे, तो उसको रीइन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो कौन से रेट में होगा, दैट इज द रिस्क, राइट। सो दिस इज मोर इंपॉर्टेंट इफ होराइजन इज लॉन्गर टर्म, ठीक है। और लास्ट वाला के दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट है, अगर रेट बढ़ता है तो यहां पे लॉस है क्योंकि भाव कम हो जाएगा, लेकिन रेट बढ़ता है तो यहां पे तो प्रॉफिट है ना, कूपन रीइन्वेस्ट हायर रेट पे होगा। और अगर रेट घटता है तो भाव बढ़ जाएगा तो प्राइस रिस्क में प्रॉफिट है लेकिन इसमें लॉस है। So both the risks are exactly opposite to each other, ठीक है। So this much you should know, इतना आपको पता होना चाहिए।
तो इन लोगों ने ना जो चैप्टर चालू होता है ना उसके बाद मतलब जो 58A है ना उसमें अलग अलग सिनेरियो दिए हैं, अनचेंज YTM, बॉन्ड हेल्ड टू मैच्योरिटी, फिर सोल्ड बिफोर मैच्योरिटी, फिर बॉन्ड हेल्ड टू मैच्योरिटी चेंज YTM और वो सब लिखा है बराबर। तो उसको थोड़ा आप इग्नोर कर सकते हो, 58A जहां पे खत्म होता है ना, 58A जहां पे खत्म होता है जस्ट बिफोर 58B, दे हैव मेंशन टू समराइज शॉर्ट इन्वेस्टमेंट होराइजन, प्राइस रिस्क इज मोर इंपॉर्टेंट देन रीइन्वेस्टमेंट रिस्क, और अगर लॉन्ग होराइजन है तो रीइन्वेस्टमेंट रिस्क इज मोर देन प्राइस रिस्क, राइट। बस उतना याद रखो जो मैंने आपको समझाया, सिंपल है ना, ये लिखा ही है ना। अगर शॉर्ट टर्म होराइजन है तो ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट होगा प्राइस रिस्क, अगर लॉन्ग टर्म होराइजन है तो ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट होगा आपका रीइन्वेस्टमेंट। क्लियर? ठीक है, ऑनलाइन फाइन। ओके, अच्छा, फिर जैसे कोई 7 साल का बॉन्ड है लेकिन आप 4 साल के बाद उसको बेच रहे हो, ऐसा कुछ है तो रिटर्न कितना मिला वो आना कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो उसका देखो इन्होंने एग्जांपल दिया है 58C, वो सॉल्व करना चालू करो 58C, स्टार्ट सॉल्विंग। मुझसे कोई मिलने आया है, मैं मिल के आता हूँ, आप वहां तक ये एग्जांपल करो फिर मैं समझाता हूँ। मैंने पिक्चर भेजा, देखो रुपए वो सॉल्व करने लगो। Thank you.
रिकॉल इस बोर्ड वाली वैल्यू नहीं कर रहा हूं वो दे जाएंगे नहीं था एक वो पुरानी बुक में भाई पर वो ऐसे सर ने लास्ट में फिक्सिंग तो उनको कराया मैंने जो है 6 फरवरी आई टू फरवरी मार्च में जा मार्च फिक्सिंग का ना अभी भी आ गया अभी भी आ गया 6 महीना कर देता है नहीं भाई मतलब देख पीवी कैलकुलेट करने का आ गया पहले बॉन्ड वाले तो नॉर्मल कूपन वाले का गैस को आ रहा कूपन वाले में N4 हैप्पी है कुछ नहीं आ रहा N4 मतलब 4 साल के कूपन 4 साल के कूपन पे तू गैदर होगा इन्वेस्ट करेगा पीवी तो कुछ नहीं एक साल का फीलिंग कर लिया इन्वेस्टमेंट और फीलिंग में कर रहा है 4 साल का N4 ले पीवी से लेंगे हां उसकी वैल्यू पता नहीं क्या वो कौन से क्या बहुत से कुछ नहीं आ रहा है मतलब तुमने वैसे कुछ नहीं किया है मैं वही आ गया उसका वैसे बॉन्ड के पैसे नहीं देखो जो कूपन आया है भाई आई बाय वही भी आया है डेबिट फॉर डीपी 0 तेरा कुछ पता नहीं कोई पोजीशन को सब लोग कहते हैं करने का है मेरे को पता है 14 से देख रहा हूं उसका 54 है वो वैसे भी ड्रॉप मैच ये लोगों का जो वेटेड में नहीं जो वेटेड नहीं क्यों निकाला वो समझ नहीं आ वो ये सब बातें नहीं पूछते हैं ये सब बातें नहीं पूछते हैं कह दिया ना बस कह दिया सर सनातन सत्य है अरे हां वो पर ज्योमेट्री में क्यों इतना नॉर्मल जो करते भाई नॉर्मल अरे ऊपर करके पढ़ना आगे ऊपर लिखा होगा ज्योमेट्री में ये बहुत इजी लग रहा है ना अब वो क्या वो कुछ एक कर देते हैं कुछ नहीं होगा सर नहीं होगा आप कुछ बोलो इन्वेस्टमेंट हो रहा है सब फोन हां ये सब
स्टडी प्लान को ये बोल के सब दिखा रहे हैं क्या बोल रहे हो स्किप कर रहा था ये बस प्रिंट आंसर आंसर तो ये भी चालू है और ये भी लाइक कर सकते हैं और रिव्यू वाला सेशन पीएनटी क्या है लाइक की तो क्वेश्चन में फिर बैक कर क्योंकि हर दस जो ऊपर उसको डिवाइड सर वो इससे तो बेटर है भाई कौन से तेरे अकाउंट से दिखेगा उसको तो के नो नॉलेज नो नथिंग ये नहीं होगा तो मुझे नहीं ये वो इससे तो मैं इससे वगैरह नहीं चाल अरे भाई 99 दिखा
So what is this problem saying? Consider a 5-year 11% annual coupon bond. Let us say face value 100. ऐसा बॉन्ड है प्राइस एट 86.59, तो इसका प्राइस है 86.59 और इससे YTM निकाल सकते हैं, लेकिन उन्होंने निकाल के दे ही दिया है 15%. कैलकुलेट द होराइजन यील्ड फॉर इन्वेस्टमेंट होराइजन ऑफ 4 years, मतलब हम लोग इसको रखेंगे 4 साल तक, भले ही 5 साल का बॉन्ड है, we will sell after 4 years, right? So sell after 4 years. Assuming that YTM does the following. So पहला केस है falls to 14% before the first coupon date. मतलब ये जो YTM है ना वो 15 से 14% हो गया, ठीक है? तो सबसे पहले मेरी बात समझो, ऐसे तो क्वेश्चन होते हैं ना मेनी टाइम्स, ऑप्शंस ऐसे होंगे कि अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है ना तो बिना कैलकुलेशन के आंसर गेस कर सकते हो. देखो इसमें क्या है, बॉन्ड कितने साल का है? 5 साल. उसमें से आप कितने साल होल्ड कर रहे हो? 4 साल. मतलब ये काफी लॉन्ग टर्म ही हुआ ना, लॉन्ग टर्म ही हुआ. तो अगर लॉन्ग टर्म है तो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? रीइन्वेस्टमेंट रिस्क, बराबर. और अगर रीइन्वेस्टमेंट रिस्क के हिसाब से सोचते हो तो इसमें क्या लिखा है, YTM इज फॉलिंग टू 14%. तो रेट अगर कम हो गया, रेट कम हो रहा है ना, तो रीइन्वेस्टमेंट के हिसाब से लॉस जाएगा, रीइन्वेस्टमेंट के हिसाब से लॉस जाएगा. इसका मतलब क्या है कि आपने जो बॉन्ड खरीदा ना तब YTM कितना था? 15%. तो आपका जो आंसर आएगा ना वो 15% से कम आना चाहिए. और कई बार ऐसा एक ही ऑप्शन होगा, कई बार ऑप्शन एक ही होगा.
क्योंकि आपका होल्डिंग पीरियड क्या है, लॉन्ग टर्म में इंपॉर्टेंट क्या है, रीइन्वेस्टमेंट, और रेट घट रहा है तो रेट घटेगा तो लॉस होगा रीइन्वेस्टमेंट में, तो आंसर 15% से कम, ये एक लॉजिक की बात है। अब एक्चुअल कैलकुलेशन अपने देखते हैं। सी, यू आर गोइंग टू सेल आफ्टर 4 years, 4 साल के बाद बेचोगे, तो सबसे पहले प्राइस ढूंढो कि उसका भाव क्या होगा। तो कूपन क्या है, 100 का 11% 11, सो 11 इज टीएमटी बराबर। 5 साल का बॉन्ड था, 4 साल बीत गए तो अभी एक ही साल बचा, तो 1N, 1N, समझ लो। फिर जो आपका बॉन्ड है, जब 4 साल पे बेचोगे तो 1 साल बाकी रहा, और फ्यूचर वैल्यू तो 100 रुपए ही है बराबर, बॉन्ड का फ्यूचर वैल्यू क्या है, 100 रुपया। अच्छा, इंटरेस्ट रेट आईवाई क्या डालेगा, 14%, क्योंकि अभी वाईटीएम क्या हो गया है, 14%। तो पीवी फाइंड करो, इसका प्रेजेंट वैल्यू क्या आया, 97.37, ये आपका सेलिंग प्राइस, जब 4 साल के बाद बेचोगे तो 97.37। अच्छा, नेक्स्ट कंपोनेंट के कूपन्स एंड इंटरेस्ट ऑन कूपन्स, नेक्स्ट ये गिनना पड़ेगा। कूपन्स कितने मिल रहे हैं, 100 का 11%, मतलब 11, 4 साल होल्ड किया, मतलब 11 11 11 चार बार मिला, तो आप क्या डालोगे, 11 पीएमटी, कितनी बार मिला, 4, तो 4N, कौन से रेट पे रीइन्वेस्ट होगा, 14%, तो 14 IY। इसमें पीवी कुछ नहीं है, प्रेजेंट वैल्यू, तो वो जीरो कर दो, और ढूंढना है आपको फ्यूचर वैल्यू, के 11 11 11 चार बार है तो एट द एंड ऑफ 4 इयर्स क्या मिलेगा, तो फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करो, 54.132, तो 54.13, ठीक है। तो कुल मिला के जब 4 साल के बाद आप बेचोगे, when you sell after 4 years, तो आपको सेलिंग प्राइस 97.37 मिला, और कूपन प्लस उस पे ब्याज इतना, तो आपने बाय कितने पे किया था, 86.59। फिर 4 साल गए, यू रिसीव 97.37 प्लस 54.13, तो 151.5 आया, यस और नो, 151.5 आया, मतलब आपने डाला 86.59, वो बन गया 151.5, कितने सालों में, 4 सालों में। तो अगर आपको रिटर्न गिनना है, इफ यू वांट टू फाइंड द रिटर्न, तो कैसे गिनोगे, ये जो 86.59 डाला वो माइनस करके पीवी, ये 151.5 है वो एफवी, 4N, इसमें पीएमटी कुछ नहीं है, कंप्यूट आईवाई, तो आईवाई निकालो 14.90, तो जैसा हमने सोचा था, आंसर 15% से कम आ गया। ओके, थोड़ा हैवी है ये, तो घर जाओ, इसको रिवाइज करो, और इसका जो पार्ट बी है ना, 16% हो गया, वो खुद से ट्राई करना, ठीक है। लॉजिक समझ में आया हम क्या कर रहे हैं, ये जो भी बोला है, तो आपका सेलिंग प्राइस ढूंढो, और उतने साल में कूपन और उसका ब्याज कितना होगा वो ढूंढो, तो टोटल मिल जाएगा, और फिर खरीद प्राइस से टोटल व्हाट इज द रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। तो टुमारो विल कंटिन्यू ऑनलाइन फाइंड।
ठीक है कहिए पांच वर्ष का बॉन्ड है चार वर्ष का ये जे सॉकेट नो रे ना जा रहा है बेचिए जे तेरे बॉन्ड